दोस्तों क्या आप अभिनेता विनय आनंद को जानते हैं? जी हाँ जानते होंगे, क्योंकि ये बॉलीवुड के ही नहीं बल्कि भोजपुरी के भी जाने माने सुपरस्टार। इन्होंने दोनों इंडस्ट्री में अपने मेहनत से नाम कमाया है। बॉलीवुड से शुरुआत करने वाले विनय ने एक समय पर भोजपुरी फिल्मों की तरफ रुख कर लिया और आज वह भोजपुरी के सुपरस्टार के रूप में जाने जाते हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड के कॉमेडी किंग कहे जाने वाले गोविंदा इनके मामा जी हैं। विनय बॉलीवुड के जाने माने गीतकार स्वर्गीय रवि और स्वर्गीय पुष्पा आहूजा के बेटे हैं और पुष्पा आहूजा बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा की बहन है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मुंबई के मीठीबाई कॉलेज से पूरा किया। बॉलीवुड बैकग्राउंड से होने के बाद भी इन्हें अभिनय को लेकर बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। विनय आनंद की बॉलीवुड फिल्मी सफर पर अगर नजर डाले तो इन्होंने 1999 में मिथुन चक्रवर्ती की आई फिल्म सौतेला से अपने करियर की शुरुआत की थी और ये मिथुन चक्रवर्ती की 1999 की एक हिट फिल्म में शामिल होती है और इस फिल्म में विनय आनंद का भी राजू का किरदार लोगों ने काफी पसंद किया था, जो कि मिथुन चक्रवर्ती के दूर के रिश्तेदार का एक लड़का रहता है जो मिथुन चक्रवर्ती के साथ आके रहता है। वही मिथुन चक्रवर्ती गाँव के ठाकुर रहते हैं। इसके बाद फिल्म आमदनी आठन्नी ने फिल्मों में उन्हें एक अलग ही पहचान दिलवा दी, जिससे वह सबके चहेते बन गए। इस फिल्म में उनके साथ उनके मामा यानी गोविंदा भी मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। फिल्म को दर्शकों द्वारा बहुत प्यार मिला और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। कुछ साल तक विनय ने बॉलीवुड में काम किया। इसके बाद इन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अपना रुख कर लिया और वहाँ वो बन गए सुपरस्टार। विनय ने कई मुश्किलों का सामना किया लेकिन कभी भी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ते गए। अगर विनय की निजी जिंदगी पर नजर डाले तो वह बहुत ही मजाकिया किस्म के आदमी हैं और दूसरों को हंसाना उन्हें बहुत पसंद है। विनय ने शादी की कोरियोग्राफर ज्योति आनंद के साथ और इनके 3 बच्चे हैं। आपको बता दें कि विनय आनंद के माता पिता के मौत के बाद वह अपने मामा गोविंदा के काफी करीब रहे। भोजपुरी में इन्होंने कई सारी फिल्में की थी जो ऑलमोस्ट हिट रही। वह एक बेहतरीन अभिनेता के साथ साथ एक लाजवाब सिंगर भी हैं। लेकिन कई सालों पहले उन्होंने सिंगिंग करना छोड़ दिया और सारा ध्यान अपने फिल्मी करियर पर छोड़ दिया। विनय को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था, जो वक्त के साथ बड़े होते होते उनका जुनून बन गया और आज वो बॉलीवुड और भोजपुरी के जाने माने अभिनेता कहे जाते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस पूरे फिल्मी सफर के दौरान विनय का नाम किसी भी अभिनेत्री के साथ नहीं जोड़ा गया और न ही इनकी कोई अफेयर की खबरें आई। विनय ने भोजपुरी और बॉलीवुड को अपने कई साल दिए और लोगों द्वारा उनके काम को वक्त वक्त पर सराहा गया। आज विनय आनंद एक जाने माने कलाकार के रूप में जाने जाते हैं।